नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? हरियाणा अध्यापक भर्ती से संबंधित बड़ा झटका लगा है भाई, सरकार क्या कर रही है ये। 20 दिसंबर 2020 की बड़ी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। अगर आप अध्यापक लगना चाहते हैं, लगे हुए हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में। बच्चों, आप किसी सवाल में अटक गए हो, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा हो, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, करो करना है, सबमिट करना है। 3 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका ट्यूशन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट का हो या 6ठी से 12वीं का कोई सवाल हो, इन सब का सॉल्यूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, इन सब का भी आपको डाउटनेट ऐप पर सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9वीं से 12वीं की लाइव क्लासेस चल रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इसे पढ़ाई कर रहे हैं। डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा। हुड्डा सरकार में भर्ती 816 ड्राइंग टीचर की होगी छुट्टी, रिपोर्ट तलब कर दी गई है भाई। यहाँ पे देखिएगा, पूर्व भर्ती हुड्डा सरकार में वर्ष 2010 में भर्ती हुए 1983 सारे शिक्षकों की भर्ती की तर्ज पर अब 816 ड्राइंग टीचरों की भी छुट्टी होगी। हाईकोर्ट की सिंगल बैच और डबल बैच में केस हार चुके हैं। कला अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने की मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों डीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। शनिवार रविवार की छुट्टी के बावजूद कार्यालय खोलकर सोमवार दोपहर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 20 जुलाई 2006 को विज्ञापन जारी करते हुए पीटीआई के साथ ही सीएवएनडी कैटेगरी के 816 कला शिक्षकों की भर्ती के लिए भी आवेदन मांगे थे। भर्ती में अनिवार्य तथ्यों को लेकर कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए हैं। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रिकॉर्ड तलब करते हुए पता चला है कि एचएसएससी ने तत्कालीन चेयरमैन ने आयोग में दूसरे सदस्यों की सलाह लिए बगैर ही भर्ती का फैसला बदल दिया। उसके बाद नवम्बर डबल बैच में 20 शिक्षकों को हटाने के निर्देश दे दिए थे भाई। तो बहुत बड़ा झटका है भाई, जो भी शिक्षक लगे हुए हैं 816 अब इनकी छुट्टी होगी। तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है आपकी, मुझे कमेंट में राय जरूर बताएं। सभी के साथ शेयर कीजिएगा, या सही कर रहे हैं या फिर गलत। धन्यवाद।